आपके साथ नदी में। भारत के सबसे मशहूर योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने महिलाओं को लेकर एक बार फिर बयान दिया है, जिसकी वजह से वो चर्चा में। महिलाओं के पहनावे पर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की कि वहां मौजूद सभी महिलाएं कुछ देर के लिए शर्मा गईं। लेकिन उनकी बातों से कुछ देर के लिए सभी महिलाओं को असहज भी महसूस हुई होगी। जिस वक्त बाबा रामदेव मंच पर यह बयान दे रहे थे, उस समय उनके साथ मंच पर बाला साहेब बंची शिवसेना के सांसद श्रीकांत सिंधे भी मौजूद थे। उसके साथ ही इस दौरान इस मंच पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और साथ में भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी मौजूद थीं। बाबा रामदेव मंच पर अमृता फडणवीस की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, उनकी मुस्कुराहट की तारीफ कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे सभी महिलाएं असहज महसूस करने लगी। दरअसल बैठक प्रशिक्षण शिविर के तुरंत बाद शुरू हुई, इसलिए कई महिलाओं को कपड़े बदलने का समय नहीं मिला। ये देखते हुए रामदेव ने कहा कि कई महिलाओं ने कपड़े नहीं बदल पाए। कोई बात नहीं, अगर उनके पास कपड़े बदलने का समय नहीं है तो कोई समस्या नहीं, वो इसे घर जाने के बाद पहन सकती है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि वैसे भी महिलाएं सलवार सूट साड़ी में अच्छी लगती है, और अगर मेरी तरह कुछ ना पहने तब भी अच्छी लगती। जब हम बच्चे थे तो कौन कपड़े पहनते थे। अब बाबा रामदेव का दिमाग भी कुछ देर के लिए बच्चा ही हो गया था कि उन्होंने महिलाओं के लिए इस तरीके का बयान दिया। बाबा रामदेव आगे कहते हैं कि हम लोग 10 साल की उम्र में नंगे घूमते थे, लेकिन इसके बाद बाबा रामदेव का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, और इस वीडियो पर लोग उनकी खिंचाई भी कर रहे हैं। बाबा रामदेव से इसके साथ ही माफी मांगने की भी बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि महिलाओं के लिए ऐसे शब्द बोलना अश्लीलता है, इनकी संगत में रहकर उनकी उपेक्षा करना और उनकी रक्षा करना विकृति है। इसके आगे एक यूजर जिनका नाम है अश्विनी तिवारी, इन्होंने लिखा है, बाबा है कुछ भी बोल सकते। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बाबा रामदेव ने जो कुछ कहा है वो सही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।